हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति सपने में बादाम देखता है या फिर बादाम को खाते हुए देखता है, तो ये सपना उसे क्या संकेत देता है। सपने में बादाम देखना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है या फिर अशुभ। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सपने में बादाम देखना, ये सपना आपके लिए अच्छा होता है या फिर बुरा। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बादाम दिखाई देते हैं, सपने में कोई व्यक्ति बादाम देखता है, तो ये सपना उसे धन लाभ, सौभाग्य वृद्धि, समृद्धि और उन्नति की ओर इशारा करता है, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और यदि आप सपने में बादाम खाते हुए देखते हैं खुद को या किसी और को, तो इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। और यदि आप सपने में देखते हैं कि आप बादाम तोड़ रहे हैं, तो ये सपना आपको आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है। ये बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो काफी शुभ सपना माना जाता है। और दोस्तों, यदि आप सपने में बादाम का पेड़ देखते हैं, तो ये सपना आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, तो वो व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप सपने में बादाम सड़े हुए खराब बादाम देखते हैं, तो ये सपना आपको किसी आर्थिक परेशानी या फिर धन हानि का संकेत देता है। और दोस्तों, यदि आप सपने में बादाम खरीदते हुए देखते हैं, तो ये सपना भी आपको धन आने का सूचक होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।